हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जो कि है व्हाई डू वी फॉल इल। ये चैप्टर है क्लास 9th साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का और ये है चैप्टर नंबर 13। इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि हेल्थ क्या है और डिजीज क्या है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, हेल्थ और डिजीज। तो इस चैप्टर में हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं। क्या? एक तो है हेल्थ, ठीक है, और दूसरा है डिजीज, ठीक है। दोनों लगभग अपोजिट है एक दूसरे के। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये चैप्टर पढ़ना जरूरी क्यों है। ये चैप्टर पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें इसमें अपने बेसिक जो डेली लाइफ है, क्योंकि हम हेल्थ के बारे में लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं और होना भी चाहिए। हेल्थ प्रोडक्टिविटी के लिए, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए और एक अच्छा लाइफ जीने के लिए बहुत जरूरी है आपका हेल्दी होना। और डिजीज के बारे में अगर आप बेसिक नॉलेज रखेंगे तो ही वो आपको हेल्प करेगा डिजीज फ्री रहने में और हेल्दी रहने में। तो इसीलिए ये चैप्टर हमारे साइंस बुक में इंक्लूडेड है। अब अगर हमें इसे पढ़ना है तो इससे पहले हमें सब डेफिनेशन को, एक बेसिक नॉलेज पहले इससे इसका लेना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम थोड़ा हाइयर नॉलेज पर जाएंगे, हाइयर लेवल पर इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हेल्थ क्या होता है। हेल्थ मतलब स्वस्थ रहना। हेल्थ का मतलब सिर्फ डिजीज फ्री रहना नहीं हो सकता है। पहले हम देखते हैं डिजीज क्या होता है, ठीक है। डिस ईज, तो डिस का मतलब नो, मतलब नहीं, और ईज का मतलब, डिस का मतलब नो और ईज का मतलब कंफर्टेबल। इसका मतलब डिजीज वो कंडीशन है जब आप कंफर्टेबल नहीं रहते हैं या आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, फील करते हैं, ठीक है। और या साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो डिजीज का मतलब ऐसा सिचुएशन जब आपका बॉडी का कोई भी पार्ट, कोई भी ऑर्गन या एक से ज्यादा ऑर्गन नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डिजीज में नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड। बॉडी का नॉर्मल फंक्शनिंग जो होता है वो अफेक्ट हो जाता है, और जब अफेक्ट होता है तो आपको उसका सिम्पटम दिखता है, जैसे कि फीवर होना, हेडेक होना। हर अलग अलग डिजीज का अलग अलग सिम्पटम है, पर्टिकुलर डिजीज का उसका पर्टिकुलर एक सिम्पटम कैटेगराइज है, ठीक है। तो डिजीज तो ये होता है कि नॉर्मल फंक्शनिंग बॉडी का अफेक्ट हुआ और क्या फंक्शन चालू है, अबनॉर्मल फंक्शन, जिससे कुछ अलग हटकर सिम्पटम दिखते हैं, ठीक है। अब हेल्थ का मतलब क्या होता है? सिंपल एब्सेंस ऑफ डिजीज इज नॉट हेल्थ, ठीक है। अगर आपको कोई डिजीज नहीं है तो ये प्रमाणित नहीं करता है कि आप हेल्दी हैं या नहीं है। एक एस्पेक्ट है, अगर आपको डिजीज नहीं है तभी आप हेल्दी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपको डिजीज है तब तो आप हेल्दी नहीं रह सकते हैं, पर आपको डिजीज नहीं है फिर भी आप हेल्दी नहीं रह सकते हैं। इसका मतलब हेल्थ, ये कंफर्म करने के लिए कि आप हेल्थी हैं कि नहीं, आप हेल्दी हैं कि नहीं, इसके दो तीन एस्पेक्ट्स होते हैं। एक एस्पेक्ट है डिजीज फ्री होना। तो हेल्थ है स्टेट ऑफ सोशल, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। मतलब स्टेट मतलब आपका सोशियली, फिजिकली और मेंटली सही होना, वो होता है, ये इंडिकेट करता है कि आप हेल्दी हैं, ठीक है। सोशियली, फिजिकली, मेंटली, तो फिजिकल और मेंटल तो ये डिजीज से हम समझ सकते हैं कि आपको कोई मेंटल सिकनेस नहीं है और फिजिकल सिकनेस नहीं है। तो ये दो एस्पेक्ट तो कवर हो गए। तीसरा एस्पेक्ट आता है सोशल। आप भले से पर्सनली एकदम हेल्दी हैं, एकदम फिट हैं, डेली रूटीन आप फॉलो करते हैं और आपको कोई डिजीज नहीं है, पर सोशली कम्युनिटी वाइज, अपने कम्युनिटी में, अपने समाज में अगर आप सही बर्ताव नहीं करते हैं, सही बिहेवियर आपका, सोशली बिहेवियर आपका सही नहीं है, तो भी आप हेल्दी नहीं है, ठीक है। तो मियर एब्सेंस ऑफ डिजीज इज नॉट द इंडिकेशन फॉर हेल्थ। उसके लिए और भी दो तीन एस्पेक्ट हैं। आपको सोशली अच्छा होना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर को बहुत अच्छे से साफ सुथरा रखते हैं, ठीक है,
डेली उसमें जो भी हेल्थ प्रैक्टिस है हाइजीन का वो आप उसको फॉलो करते हैं, पर जैसे ही घर के बाहर आप जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप सोशल बिहेवियर नहीं फॉलो करते हैं और जो नॉर्म्स है पब्लिक में रहने का जो नॉर्म है वो आप फॉलो नहीं करते हैं और बाहर आपके घर के बाहर बहुत गंदगी रहती है तो आप हेल्दी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो हेल्थ है वो पर्सनल इशू नहीं है, वो एक कम्युनिटी का इशू है, एक सोशल इशू है, ठीक है। तो ये हो गया हेल्थ और डिजीज के बीच में डिफरेंस, बहुत थिन डिफरेंस है हेल्थ और डिजीज के बीच में, ठीक है। तो हेल्थ के बारे में हमने जाना कि स्टेट ऑफ सोशल फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, और डिजीज क्या है, कोई भी अबनॉर्मल फंक्शनिंग बॉडी में और नॉर्मल फंक्शनिंग का ना होना या नॉर्मल फंक्शनिंग का बिगड़ जाना। अब आगे ये है कि डिजीज के टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिजीज क्या होता है, डिजीज हमने ये पढ़ लिया कि ये क्या है, अनकंफर्टेबल सिचुएशन है और नॉर्मल फंक्शनिंग बॉडी का इफेक्ट होता है। डिजीज अगर टाइम पीरियड के हिसाब से देखें कि कितने टाइम के लिए रहता है तो दो तरह के डिजीज होते हैं, एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रोनिक। एक्यूट मतलब फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल, एक्यूट शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए, कुछ समय के लिए रहता है, ठीक है, डेज हो सकते हैं, कभी कभी मंथ्स भी हो सकता है, पर क्रोनिक ये लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, ठीक है। क्रोनिक किसके लिए रहता है, लॉन्ग टाइम के लिए। इसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कफ या कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड कफ भी इसी का सिम्टम है, तो इसको मैं हटा देता हूं, कॉमन कोल्ड हो गया, ये क्या है, या रिंग वॉर्म का होना या कॉमन कोल्ड होना, ये क्या है, एक्यूट डिजीज है, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए रहता है। वहीं क्रोनिक डिजीज में अगर हम आ जाए तो कैंसर हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, अगर वो एक्सट्रीम केस वाला टाइफाइड है तो, ठीक है। तो टाइम इंटरवल के बेसिस पे डिजीज दो तरह के हो सकते हैं, एक्यूट छोटे टाइम इंटरवल के लिए, क्रोनिक लंबे टाइम इंटरवल के लिए। अब और क्या आगे हो सकता है इसमें, क्रोनिक क्या करता है, एक्यूट हमारे बॉडी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि साल में कई बार हम कॉमन कोल्ड हमको होता है, वायरल फीवर होता है, बैक्टीरियल फंगल होता है, ठीक है, तो वो ज्यादा बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। पर जो क्रोनिक डिजीज है, क्रोनिक एडवर्सली इफेक्ट बॉडी, ठीक है। क्रोनिक डिजीज कई बार सही होने के बाद भी पूरे लाइफ स्पैन, जब तक वो ह्यूमन जिंदा रहता है तब तक क्रोनिक डिजीज के साइड इफेक्ट हमें दिखते हैं। जैसे क्रोनिक डिजीज हो सकता है पैरालिसिस, एक बार आदमी को पैरालिसिस हुआ, लकवा मारा, तो वो सही भी हो सकता है, पर ये पैरालिसिस के कुछ सिम्टम्स या कुछ साइड इफेक्ट आजीवन, मतलब पूरे होल लाइफ उसके साथ रहते हैं, ठीक है। तो क्रोनिक और एक्यूट डिजीज हमने पढ़ लिया। अब डिजीज किस टाइप्स के होते हैं, मतलब कैसे ह्यूमन को डिजीज मिल सकता है, वो भी हो सकता है कैटेगरी बनाने के लिए। जैसे कि जेनेटिक का मतलब है कि पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, डिजीज कैसे आया, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग डिजीज आया। कोई भी जेनेटिक डिजीज जैसे कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस है, हेमोफीलिया है। देखिए कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है कि जब बहुत कुछ कलर्स होते हैं, अगर एक कलर का कोई पैटर्न दिया जाए, बहुत सारे जिसमें कलर्स हो, उसमें कुछ गिने चुने कलर्स को ना पहचानना या आई से उनको ना देख पाना ही कलर ब्लाइंडनेस है। ये जेनेटिक होता है, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स बच्चे में आता है। हेमोफीलिया भी यही है, ये ब्लड की कमी का कंडीशन है, ठीक है। और अगर इसमें क्या होता है, कहीं चोट लग जाए तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, कहीं भी वुंड लग हो जाए, चोट लग जाए, तो कुछ देर बाद खून ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है और वहां पे क्लॉट बन जाता है,
पर अगर किसी को हीमोफीलिया है, वो हीमोफेलिक है, तो जो ब्लड का फ्लो है वो 30 मिनट्स कभी कभी पूरे दिन भी हो सकता है, तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है, तो ये हीमोफेलिक कंडीशन है। तो ये तो हो गया जेनेटिक, और होता है लाइफस्टाइल के कारण कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? डायबिटीज हो सकता है, ठीक है, कभी कभी डायबिटीज जेनेटिक होता है पर डायबिटिक लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर हो सकता है, आप कौन सा फूड ले रहे हैं, आप बॉडी को कितना आराम दे रहे हैं, कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो लाइफस्टाइल पे आता है, ठीक है। और आप कैसे रहते हैं, हाइजीन, ये सब लाइफस्टाइल का एग्जांपल हो गया। तो डिजीज के बारे में किस प्रकार से कैटेगराइजेशन होता है, ये हमने पढ़ दिया है। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डिजीज के और कैसे टाइप्स हो सकते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सके, कम्युनिकेबल हो, और नॉन इन्फेक्शियस मतलब नॉन कम्युनिकेबल, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ना फैले, ठीक है। तो उसके बारे में, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे, थैंक यू।